आज नक्याल में 20 तारीख को बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है आटे की कमी के बारे में और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। और ये शाहनवाज़ अली शेर साहब ने जो है ये एडवोकेट हैं आटा दो एहतजाजी तहरीक के और समाज बदलो तहरीक के नक्याल में, और इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था एडवोकेट अनवर के साथ मिलके। मेरे पास अभी तक शाहनवाज़ अली शेर की तो स्पीच नहीं आई, लेकिन मैंने कुछ झलकियां आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं, देखें और एंजॉय करें। के जिस धरती ते रज के टुकर खावे ना मजदूर, जिस धरती ते रज के टुकर खावे ना मजदूर, उस धरती ते हाकम कुत्ते उस ते हाकम सूर। नक्याल के अजीम लोगों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस जगह पे जमा हुए, और मैं समझता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी भी थी कि आप लोग इस मौके के ऊपर जमा होते और अपने बुनियादी मसाइल के ऊपर, बुनियादी हकूक के लिए निकलते। हम यहाँ जमा हुए हैं कि आपके बच्चों को दो वक्त की रोटी मिल सके। हम यहाँ जमा हुए हैं कि आपके बच्चों को सेहत मिल सके। हम यहाँ जमा हुए हैं कि आपके बच्चों को तालीम मिल सके। हम यहाँ जमा हुए हैं कि आपके बच्चे सऊदी अरब और दुबई में जाके मजदूरी ना करें। किसका रहू ये क्रोध मेरा, अनवर शाह का रहू, अनवर शाह क्यों
ظالموں جواب دو ان کا حساب دو نئے حکومت
हाय हाय बिजली चोर हाय हाय कब्जा माफिया हाय हाय आटा चोर हाय हाय नायल इंतजामिया हाय हाय फूड इंस्पेक्टर हाय हाय फूड इंस्पेक्टर हाय हाय गरीब के दुश्मन हाय हाय ए गरीब के दुश्मन हाय हाय लूट के खागे हाय हाय ए चोर लुटेरे हाय हाय ए किन्नू दसिए हाय हाय ए कैदी सुंदा हाय हाय ए सीर सारे हाय हाय ए चोर सारे हाय हाय पेट्रोल महंगा डीजल महंगा किराया महंगे मुर्गी महंगी दालें महंगी मुर्गी महंगी दालें महंगी अनवर शाह तेरे खून से इंकलाब आएगा अनवर शाह तेरे खून से इंकलाब आएगा हम नहीं मानते सुनते जानते जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज का एहतजाज महंगाई बेरोजगारी बिलों पर नाजायज टैक्सों के खिलाफ गया निकाल के पातर और कशूर दोस्तों हमारा निकाल का तालुक पूंछ डिवीजन से है महंगाई आखिरी हद को छू चुकी है आज दोस्तों गिलगित में सब्सिडी दी जाती है यहाँ भी हमारी सब्सिडी खत्म की गई वजीर आजम ने फिर आवाम के एहतजाज पर आटे की कीमतें वापस लेने का ऐलान किया लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अमल दरामद नहीं हुआ मेरे नौजवानों अपने हक उठ खड़े हो तक जुल्म सहते रहोगे दालें महंगी डीजल महंगा पेट्रोल महंगा पाकिस्तान के हुक्मरान जो आवाम को लूट रहे हैं हमारे खित्ते के अंदर 80% जाली मेडिसिन और खुराक दी जा रही है कश्मीरियों को जाली खुराक मेडिसिन कपड़े वगैरह हमारी रियासत के अंदर आ रहे हैं लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी जा रही लेकिन हमें पेट की खुराक तो दी जाए वहाँ 20 किलो आटा 450 में मिल रहा है यहाँ 1200 से 1800 में चला गया है हम इसकी भरपूर मजामत करते हैं हम पाकिस्तान के हुक्मरानों पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट को बताते हैं कि 73 साल से पहले हम मर रहे थे गोलों की वजह से आज हम भूख की वजह से मर रहे हैं 7 दहियां गुजरने के बावजूद यहाँ पे कोई निजाम नहीं है रोजगार की कोई जगह नहीं है पूरी रियासत में 3 डिवीजन है 3 डिवीजन में से एक भी जगह कहीं भी मंडी नहीं है हम यहाँ जमा हुए कि आपके बच्चे सऊदी अरब और दुबई में जाके मजदूरी ना करें तो आपके बच्चे दुबई में सऊदी अरब में या दीगर जगहों पे जाके मजदूरियाँ क्यों करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा वरना कल भी आपका मुस्तकबिल ऐसा ही था और आने वाला कल भी आपका ऐसा ही होगा लोगों को आटा नहीं मिल रहा हुकूमत जो है हुकूमत क्या कर रही है